हाँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, खैरियत है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम रहम इलाही साहब बोल रहे हैं? हेलो निजामुद्दीन हकीम रहम इलाही। जी 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 बोलिए बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है आपके बाजार? बाजार आपकी दुआएं हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या कह रहा हूँ, आपके यहाँ वो हकीम मसरूर हैं, जानते हैं आप उनको? मैं जानता तो नहीं, सुना है नाम हकीम मसरूर। उन्होंने कुछ बातें ऐसी कहीं भी एक आदमी से बात करके फोन पर कि मरकज निजामुद्दीन के बाहर गेट पर कुछ लोग खड़े थे, जमात वालों को पुलिस वाले माँ बहन की गाली दे रहे थे। अच्छा। और जब हमने वहाँ के दुकान वालों से पूछा कि भाई इस गाली देने की क्या वजह है, तो उन्होंने बोला कि ये जो जमात वाले मरकज वाले महीना देते हैं ना पुलिस वालों को, वो नहीं दिया है, इसके लिए वो गाली दे रहे हैं। तो क्या ऐसा आपकी दुकान वही है क्या? मरकज निजामुद्दीन वाले मरकज चलाने के लिए हफ्ता महीना रिश्वत देते हैं क्या? नहीं नहीं, अरे ये मसरूर पागल आदमी है, इसके बाप बड़ों ने यही खाना खाया है, मरकज का ही खून है इनके अंदर। और फिर ये मुखालिफत करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, मुखालिफत शुरू से कर रहे हैं गंदगी। अल्लाह माफ करे, अल्लाह इन्हें हिदायत दे, अल्लाह इनको। नहीं, क्योंकि आपकी भी बाजार वही है, आपकी दुकान भी वही बाजार में है, तो मैंने कहा जरा मैं आपसे तहकीक कर लूं। ऐसा तो नहीं है ना कुछ कि मरकज वाले जो है वो रिश्वत देते हो? और वहाँ, अच्छा आप मरकज में जाते हैं नमाज पढ़ने, वहाँ आप पेशाब करने जाते हैं तो आपको मारता है कोई? वो कह रहे जो पेशाब करने आता है उसको मारते हैं, जो मरीज जहर से मिलता है उसको मारते हैं। अरे ये सब झूठ है इनका, बस क्या बताऊं, इनके प्रोपगंडे हैं, अल्लाह माफ करे बस। आप तो मरकज जाते ही हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप मरीज जहर से मिले और आपको मारा हो? ऐसा कुछ नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कोई भी किसी बुजुर्ग से मिल सकता है जो जिससे मोहब्बत करता है। अब एक आदमी किसी से मोहब्बत करता है तो उससे जरूर मिलेगा। जाहिर सी बात है, कोई मार पिटाई उनको मारते हैं। हमारे बड़े भी मौलाना से भी मिला करते थे और मौली जुबैर साहब के बच्चे। मैं खुद मौली जुबैर साहब से मिला करता हूँ। मौली जुबैर हमारे बड़ों के बच्चे हैं। जाहिर सी बात है, असल में जो नीचे के जो लोग होते हैं तबके के, वो ऐसी बातें फैलाते हैं जिनसे जोड़ पैदा ना हो, तोड़ पैदा हो। हजरत जी फरमाते थे जोड़ पैदा करने वाली बात करो, तोड़ पैदा करने वाली बात ना करो। अच्छा अजहर हकीम साहब, आप मुझे जरा अपने दादा का तारुफ करा दिया, आप किसके पोते हैं? मैं तो भाई वो मुंशी अल्लाह दत्ता थे, मुंशी अल्लाह दत्ते हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने के बुजुर्ग निजामुद्दीन के खुटे। हाँ, हाँ, हाँ। और आप वही मरकज निजामुद्दीन में भी रहते हैं, वही रहते हैं। अब आप तो इस बात के गवाह है ना कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मरकज में, रिश्वतखोरी और ये सब? अरे भाई देखो ऐसा होता है, चार बिल्ली जब खाना खा रही होती है ना, मुझे ताकतवर जो होते हैं आपस में फाइट करते हैं, वो जो छोटी होती है भाग जाती है, या वो जो तीन छोटी होती हैं वो एक बड़ी को भगा देती है, तो फिर वो जाके ऐसी बातें करती है। ये लोग वो हैं, खबीस लोग हैं, अल्लाह माफ करे। नहीं, इससे मुराद कौन है? ताकतवर से मुराद कौन है? मौलाना साहब ने सबको भगा दिया, ऐसा तो नहीं मतलब है? नहीं नहीं, अल्लाह वालों ऐसी बात नहीं है, ये तो एक कॉमन सी बात कही जा रही है। ये वो लोग हैं खबीस, ये खबीस लोग हैं जिनको, जिनके सामने दीन का नुकसान हो जाए मगर हमारी बातें वही रहे, ये खबीस लोग वो हैं। इन्हें दीन से मोहब्बत नहीं है, इन्हें अल्लाह रसूल से मोहब्बत नहीं है। जो इंसान दीन के लोगों करने वालों को गलत कहेगा, गलत अफवाह उड़ाएगा, वो दीन के अंदर नहीं है, दीन से बाहर है। कोई भी सच्चा मुसलमान दीन को नुकसान नहीं पहुंच जाएगा, और दीन को इन सब जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है वो सब वक्त या अभी अभी तो थोड़े से हालात हैं, अभी और हकीम साहब ये मुफ्ती मौली मसरूर, ये क्या नाम है, ये हकीम मसरूर जो हैं, मैं आप और अपनी गुफ्तगू के दरमियान में उनसे एक गुजारिश कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी बात के बीच में ये कहा कि मैंने कहा था भाई अशरफ वगैरह से कि आ जाओ मस्जिद में, कुल्लमा की कसम खाते हैं, तो वो भाग गए, आए नहीं। कुल्लमा की कसम के माने ये होते हैं कि जब जब मैं शादी करूं तब तब, अगर मैं झूठा हूं और मैं जब जब शादी करूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक हो, ये कुल्लमा के माने होते हैं, ठीक है ना? तो मैं अपनी और आपकी आवाज के तवस्सुत से उनको ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं,
कि उन्होंने जो ये जो झूठ अपनी यूसुफ भाई वापी के से उन्होंने जो बात के दरमियान जो झूठ बोला है और वो कुल्लमा की कसम खाने के लिए तैयार हैं, तो वो अपना एक ऑडियो क्लिप जारी करें जिसमें वो ये कहें कि अगर निजामुद्दीन मरकज वाले पुलिस वालों को महीने में हफ्ता देते हैं जो ये बात उन्होंने कही है, अगर ये बात उनकी गलत है तो वो इस ऑडियो को एक जारी करें कि अगर मैंने यूसुफ भाई वापी से बात के दरमियान कुछ भी झूठ बोला हो तो मेरी बीवी को 3 तलाक हो। अगर वो जारी कर देंगे तो उनका सच्चा होना दुनिया देख लेगी, और नहीं जारी कर पाएंगे तो झूठा होना भी दुनिया देख लेगी। बात काफी है ना? बेहतर है ये। तो देखिए आपकी उनकी क्या बात हुई है मुझे तो नहीं मालूम। आपने एक राय पूछी, मैंने आपको बहुत राय बताई, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुखालिफ हैं। चलिए हम लोग अब अपने मौजू की बात कर लें, क्या चल रहा है? इंशाल्लाह आ रहा हूँ मैं जल्दी ही आपके पास। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, चलिए दुआ की दरख्वास्त है। सलाम अलैकुम।